तो हे गाइस, दिस इज राकिबुल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अमेज़न पे से ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को किस तरह से डिसेबल किया जाता है। यानी अगर आपने अमेज़न से मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट या अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप लिया है, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को एनेबल करते हुए, तो जैसे ही आपका प्लान एक्सपायर हो जाता है, यानी चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, बिल पेमेंट हो या अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप हो, वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है और आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। तो किस तरह से ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को डिसेबल किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे सबसे पहले आपको अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और अमेज़न एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ अमेज़न पे पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ अमेज़न पे पर क्लिक करता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ अमेज़न पे में क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को डिजेबल करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, ट्रैवल, गिफ्ट कार्ड, एंटरटेनमेंट, इस तरह इंटरफेस आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज, ठीक है। तो मैनेज में आपको यहाँ अकाउंट, KYC, फ्री क्रेडिट स्कोर, मर्चेंट सेंटर, इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। तो आपको यहाँ अकाउंट में क्लिक करना होगा ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को डिसेबल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ अकाउंट में क्लिक करता हूँ। और जैसे ही आप अकाउंट में क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यहाँ आपको मिलेगा प्रोफाइल डिटेल्स, योर क्रेडिट स्कोर, UPI ID, अमेजोन पे, ICICI क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, अमेजोन पे लेटर, इस तरह इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज सेटिंग एंड प्रीफरेंस। तो इसमें आपको पहला वाला जो ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऑटोमेटिक पेमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को डिसेबल करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मैनेज ऑटोमेटिक पेमेंट में। और जैसे ही आप यहाँ मैनेज ऑटोमेटिक पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और जो भी प्लान आपने लिया था ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को एनेबल करते हुए, वो यहाँ शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप लिया था ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को एनेबल करते हुए, तो वो यहाँ शो हो गया है। तो इसे डिसेबल करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ अमेज़न प्राइम मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करता हूँ इसे डिसेबल करने के लिए। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राइम मेंबरशिप ऑन ऑटोमेटिक पेमेंट कंप्लीटेड, यानी एक बार कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट सर्कल फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने बाद जो है 599 रुपीज डेबिट होता है और ऑटोमेटिकली मेंबरशिप रिन्यू हो जाता है। तो इसे डिसेबल करने के लिए डिसेबल के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिसेबल योर ऑटो पे फॉर प्राइम मेंबरशिप। तो यहाँ इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ लिखा आ जाएगा योर रिक्वेस्ट टू डिसेबल ऑटो पे मैंडेट फॉर प्राइम मेंबरशिप इज पेंडिंग। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ मैंने ऑटो पे में क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ लिखा आ जाएगा मैंने ऑटो पे रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है यू डू नॉट हैव एनी एक्टिव ऑटो पे रिक्वेस्ट सेट अप ऑटो पे टू मैनेज, ठीक है। तो जो भी ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम एनेबल किया हुआ था, वो डिसेबल हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप अमेज़न से ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को डिसेबल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद नहीं हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।